डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, इसीलिए इसको दिल और दिमाग के अलावा जान लेने ले लीजिए, और वीडियो पूरी देखिएगा, अगर मजा ना आए तो पैसे वापस। तो भाई दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइबर पंक 2077 की। मैं ये करना नहीं चाहता था, मगर मुझे ये करना पड़ रहा है क्योंकि ये टॉपिक फिलहाल ट्रेंडिंग में। ये वो गेम है जिसने हम सबके दिल तोड़े, इसलिए हम इस पर बनाएंगे रोस्ट वीडियो क्योंकि इसने हम सबका काटा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके ट्रेलर में दिखाए जाने वाले ग्राफिक्स की। ट्रेलर देखने के बाद तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई मिल गया है कि जादू ने खुद आके इस गेम को डेवलप किया हो, और ये गेम RTX 3080 Ti को कैरी। आज अल्लाह की कसम तू खत्म है। और गेम प्ले देखने पे पता चलता है कि इन्होंने हमें साकलाका बुम बुम वाली पेंसिल पकड़ा दी और कह रहे हैं उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। ट्रेलर देखने के बाद सारे मम्मी डैडी लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे इनको नया पापा मिल गया हो। जैसे आईफोन वालों ने एप्पल से इंस्पायर होकर अपना लोगो बना लिया, वैसे ही इन्होंने रेनबो को देखकर अपनी कलर थीम बना ली, यानी इतने कलर्स की स्क्रीन ही RGB हो जाए। इस गेम के मुताबिक 2077 में लोग अपने जिस्म पर मशीनें लगा के घूमेंगे, यानी कि हर चीज मशीन होगी। तो यार हिलाएंगे कैसे? अरे कहना क्या चाहते हो? मेरा कहने का मतलब ये है कि हाथ पैर कैसे हिलाएंगे यार? इस गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट देखने के बाद GTX 750 Ti वालों का कहना है कि क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला? इनको तो ऐसा लग रहा है जैसे इनकी बिरयानी से बोटी छिन गई हो और इनका रिश्ता पप्पो की बेटी के साथ फिक्स हो गया। बाकी यार गेम की ओवरऑल बात करें तो गेम की इतनी अच्छी ग्राफिक के साथ जब आप इसकी ग्लिच देखते हैं ना, तो ऐसे लगता है जैसे इसके डेवलपर मैट्रिक में 6 सप्ली लेने के बाद डेवलपमेंट की फील्ड में आए। अभी और सुन, बकाया यार भंग पीकर बैठे थे। गेम रिफंड करके भरपाई तो कर रहे हैं, मगर उनका क्या होगा जो डिसार्ट हुए, जिनकी फीलिंग हर्ट हुई है, उनकी भी यार कोई भरपाई तो करो। ऐसे लोग होते हैं जो गाड़ी मारने के बाद बोलते हैं सॉरी, और ऐसे ही लोग होते हैं जो सर्दियों में मुंह धोए बगैर नाश्ता करते हैं। इस गेम को इंस्टॉल करने के बाद उतना ही डर्ट होता है जितना आपके व्यूअर्स का आपके चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर जाने का होता है, इसीलिए यार एक सब्सक्राइब ही दे दो। फुल मजा तो उन लोंडो को आ रहा होगा जिन्होंने इस गेम को प्री ऑर्डर किया हुआ था, क्योंकि उनको ऐसी फीलिंग आ रही होगी जैसे वो पिशावर घूमने गए और घूमे बगैर ही आ गए। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? अब वो लोग आते हैं जिनके पास पोटेटो पीसी है, फिर भी वो इस गेम का मजाक उड़ा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनको जहाँ भी लंगर दिखता है अपनी प्लेट लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। टेंशन ना लो भाइयों, मैं भी तुम में से ही एक हूँ। इस गेम के डेवलपर पक्का पक्का CIT करके खुद को डेवलपर समझ बैठे हैं। गेम ने इतना तारीफों से नाम नहीं कमाया जितना इसने बदवाओं और गालियों से कमाया है, क्योंकि इसमें ग्लिच इतने कैसे दिया आपको है? सब छोड़ो, इस गेम के रिलीज होने से पहले इसकी 10 साल बाद की अपडेट अभी से आ गई है, और वो भी मोबाइल के लिए रिलीज की गई है। वाह, ये वही लोग हैं जो कहते हैं पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा, और पहले इस्तेमाल करें फिर रिसोर्स करें। इस गेम को खेलने के बाद पता चलता है कि ये पबजी मोबाइल से इंस्पायर हुई है, क्योंकि इसमें इतने ग्लिचेस हैं जितने पबजी मोबाइल में होते थे। इससे तो अच्छा है कि बंदा कैंडी क्रश और क्लैश ऑफ क्लैन खेलते खेलते मर जाए। तो वीडियो के एंड में मैं एक बार फिर ये क्लियर करता चलूं कि ये सब सिर्फ एक मजाक था, मैं किसी गेम को हेट नहीं दे रहा। आगे जाकर डेवलपर इस पर काम करेंगे और इसे इम्प्रूव करके आपको प्रोवाइड कर देंगे, और ऐसी गलतियां तो होती रहती है क्योंकि बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रन। तो भाई आज की वीडियो में इतने ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने वाले को एक पप्पी इधर, और जो वीडियो देखने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे, मैं खुदा की कसम तेरे ख्वाबों में आऊंगा तू देखी उतर के।